सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, देखिए अब तक हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया और हमने यहाँ तक कि पीएच के बारे में डिस्कस कर लिया और पीएच का क्या एप्लीकेशन उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया साल्ट कैसे बनता है। हाँ बहुत से जब हम एसिड को और बेस को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, इसी तरीके का हमारा साल्ट बन गया। तो अब हम समझ गए हमारा साल्ट कैसे बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ ऐसे कॉमन साल्ट दिए हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो हमारा पहला आता है इसका एप्लीकेशन, बेसिकली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब कि इसका यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट। तो हमें देखिए क्या क्या बेसिकली याद रखना, जितने भी हमें पहला तो भैया फार्मूला याद ही रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसका कॉमन नेम क्या है, जैसे NaCl को हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। तो हमें याद रहना चाहिए भैया NaCl है कॉमन साल्ट रहेगा याद। तो हम बात करते हैं भैया हम NaCl को जो बेसिकली बनाते कैसे हैं, तो बहुत ही आसान है। तो NaCl हमारा देखिए बनाते कैसे, NaCl हमारा कॉमन साल्ट कैसे बनता है। हाँ, आप लोग जो सी वाटर होता है, सी वाटर ले लीजिए, सी वाटर को हम लोग धूप में हीट कर दें तो इससे हमारा साल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यही बेसिक प्रोसेस था कि हमारा जो कॉमन साल्ट होता है इसको बनाते हैं। और ये जो साल्ट होता है बेसिकली इसमें आयोडीन ऐड कर देते हैं जिसके कारण हमें कोई बीमारी ना हो। तो कुल मिला जुला कर हम लोग साल्ट कैसे बनाते हैं बताइए। हाँ, हमें अगर कॉमन साल्ट बनाना तो सी वाटर में को हम हीट कर देंगे, हमारा बन जाएगा, उसमें I2 यूज़ करके यूज़ कर लेंगे। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हाँ इसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और एक जगह और यूज़ करते हैं, बताइए कहाँ। हाँ, हम अगर हमारे देखिए सॉयल जो है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो वहाँ पर हम लोग कभी कभार डाल देते हैं किसको, साल्ट को। तो हमारी साल्ट क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, यानी साल्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते बताइए। बहुत सही, इसी का यूज़ करते हैं साल्ट का। और दूसरा हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या आता है सोडियम, ठीक है आप लोग भी लिखते चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फार्मूला होता है NaOH, क्या था फार्मूला NaOH, ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया ये हमारा बनता कैसे है। तो देखिए इसको हम क्या नाम से, हाँ ठीक है, हमारा जो होता है बेसिकली बनाने के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, बेसिकली याद नहीं फार्मूला करना, केवल हमने किस बात पर ध्यान रखना कि हमें इसका यूज पता रहना चाहिए और इसका फार्मूला पता रहना चाहिए, दो चीज़ पे पता रहेगा तो काम हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर हम देखिए पहले NaCl ले लिया, इसको क्लोरीन सॉरी इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, मतलब हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोलाइज मतलब वाटर से पास कर दिया, तो हमारा बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस रिलीज होगी और H2 रिलीज होगा। तो कुल मिला जुला कर हमें भैया याद नहीं रखना कि इसका क्या नाम से, क्या नाम से हमें इसका ये वाला याद नहीं बेसिकली रखना है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, समझ गए। तो इसी का हम रिवर्स प्रोसेस यूज़ करके चाहे तो कॉमन साल्ट बना सकते हैं, लेकिन कॉमन साल्ट हम बेसिकली कहाँ से बनाते हैं, बहुत सही हम बनाते हैं हाँ सी वाटर से। और हमारा इसी में तीसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर, जैसा कि नाम से ब्लीचिंग पाउडर बताइए आप लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में बताइए। हाँ, आप लोग नहीं कहते कि आप लोग मेरे कपड़ा है आप लोगों का इसमें तो कुछ दाग लग गई, तो लोग कहते हैं कि भैया ब्लीच कर लीजिए या धो लीजिए। तो या जितने हमारे डिटर्जेंट होते हैं बेसिकली यूज होता है, तो ब्लीचिंग इसका फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ, मेरे साथ बोलिए, CaOH का अगर हमारे पास ट्वाइस है, इसको हमने क्लोराइज किया, फिर हमारा बनेगा CaOCl2 प्लस क्या H2O। तो यही हमारा फार्मूला होता है किसका बताइए आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसको हम लोग नाम लोग हमें याद रखते हैं, इसे हम कहते हैं स्लेट लाइम, इसे क्या कहते हैं स्लेट लाइम सॉरी, हमें याद रखना नाम तो कम से कम एटलीस्ट याद रखना है। यह हमारा क्या होता है बताइए, यह होता हमारा स्लेट लाइम होता है, यह हमारा क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये क्या कहते हैं इसे, ब्लीचिंग पाउडर, ये हमें याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर। भैया पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताइए, तो क्या होगा यही हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। और हम बात करते हैं इसका यूज़ के बारे में, तो हाँ यूज़ तो बहुत ही आसान है, कपड़ा धोने के लिए यूज होगा, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इंडस्ट्री में किस लिए यूज होता है कि देखिए मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में है तो यहाँ बहुत सारे पानी रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर डाल दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर कि जितने भी वहाँ पर जर्म्स हो सब मर जाएँ, यानी जर्म्स मारने के लिए भी
यूज होता है, और यहाँ तक कि शहरों में माने सिटी में पानी को शुद्ध करने के लिए भी यूज होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो कुल मिला जुला कर ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला यही हमें याद रखना है, हमें इसका जो रिएक्शन नहीं याद रखना है, ठीक है। याद हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो कम से कम एटलीस्ट ये हो जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CO Cl2। अब हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है बेकिंग सोडा के बारे में। तो जो हमारा देखिए बेकिंग सोडा, जैसे नाम से लग रहा है कि जैसे इसका यूज हम देखिए पहले बता रहा हूँ, इसका यूज आप लोग केक है जो किसी का बर्थडे होता है तो केक होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसका हम कैसे बनाते हैं, हमने NaCl लिया और हमने वाटर लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली और हमने लिया अमोनिया, इसको मिला लिया तो हमारा बन गया अमोनियम क्लोराइड बन गया और बन गया हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा यही हमें इसे क्या कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसका नाम क्या है बताइए, आप लोग केमिकल नाम तो जान ही रहेंगे, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही इसको दो नाम से पुकारा जाता है, पहला नाम है कि बेकिंग सोडा, दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कुल मिला जाकर रिएक्शन याद नहीं रखने, बेकिंग सोडा क्या होता है, हाँ बेकिंग सोडा यही होता है आपका कि हमने क्या किया बेसिकली दोनों को ले लिया मिला के, यही हमारा बेकिंग सोडा यही बन गया। तो हमें इसको याद रखना है, उसी प्रकार हमें इसको याद रखना है, उसी प्रकार हमने इसको याद रखना है। कॉमन साल्ट को तो हमें भैया याद ही, NaCl यूज़ कहाँ पर है, केक या पेस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ठीक है, यहीं पर हम यूज़ कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम कभी कभार हमसे ये भी पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर देने तो हमारा ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो हमारा क्या बनेगा बताइए, हाँ Na2CO3, ठीक है, प्लस वाटर, वाटर हमारा निकलेगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कुल मिला जुला कर यही आपका था क्या, बेकिंग सोडा का यूज, ठीक है, समझ आया। हाँ तो अब हम इसका यूज तो समझे नहीं भैया कहाँ यूज़ करना है, अब आगे हमारा लास्ट बचा है वाशिंग सोडा के बारे में। जैसा नाम से लग रहा वाशिंग सोडा किस लिए यूज होगा बताइए, हाँ कपड़े धोने के लिए यूज होगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, यही वाला कार्बोनेट लेते हैं, क्या करते हैं इसको हम वाटर के साथ क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, हाँ बेकिंग सोडा बन जाता है, इसमें Na2H, यही आपका हो जाता है वाशिंग सोडा। तो कुल मिला जुला कर ये हमने समझ लिया बेकिंग सोडा इसके सोडा।